आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ है यहाँ पे कुछ हमारे देश की महिलाएं। मैम आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं जिनको बाबा साहब के संविधान की वजह से सम्मान मिला, अधिकार मिला, सब कुछ मिला, लेकिन आज वो अपना अधिकार सम्मान को भूल के अंधविश्वास पाखंडवाद में जूझी हुई हैं। उनको कितने हिंदू धर्म में त्यौहार होते हैं, उनको सारे त्यौहार सारे उपवास के बारे में पता है, लेकिन संविधान में जो अधिकार दिया गया है इनके बारे में उनको कुछ नहीं पता होता है। तो ऐसी महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, आप ये तो कह नहीं सकते कि उन्हें अधिकार के बारे में नहीं मालूम, संविधान के बारे में नहीं मालूम। आज की महिला बहुत जागरूक है, लेकिन अधिक संख्या होने के कारण ये है कि जैसे जैसे वो घर से बाहर निकल रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक है, सामाजिक अधिकारों के प्रति भी जागरूक है, तभी तो यहाँ पे आई है जंतर मंतर पे अपनी अधिकारों के लड़ने के लिए। अब देश में देखो, राम मंदिर हो रहा है, किसी को नौजवानों की बेरोजगारी का ख्याल नहीं, अब मूर्ति बना रहे हैं, उससे नौजवानों की या देश की कितनी तरक्की हो रही है, गरीबी दूर हो रही है, बेरोजगारी दूर हो रही है, क्या हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि देश की क्या जरूरतें हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी राजनीतिक वोटिंग के लिए दंगे करवाती हैं धर्म के नाम पे, ये गलत बात है। तो इसी पर्पस से हम आए हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है या उसमें ऊंचा वर्ग है, ये असमानता दूर करी जाए, भाईचारे समानता का देश में कानून हो, सबको कोई गलत काम करता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको बराबर का न्याय मिले। और शिक्षा का जो बड़े बड़े स्कूल खोल रखे उसमें अमीर बच्चे पढ़ेंगे, दिल्ली नगर निगम के स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ेंगे, ये दूरियां सब दूर हो, इन पे ध्यान दिया जाए ताकि देश अमेरिका से भी ऊंचा उठ जाए।